हमें खाना क्यों खाना चाहिए और उससे हमें क्या फायदा होता है और मील्स क्या होते हैं कितने मील्स होते हैं एक दिन में सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न थ्रू दिस चैप्टर सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी लेट्स डू इट राइट बिलो इन द बॉक्स व्हाट ईच पिक्चर रिप्रेजेंट सो हमें इस बॉक्स में मेंशन करना है जो भी पिक्चर्स यहां पर बनी हुई हैं हमें बताना है कि इसमें क्या हर पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स हमें क्या बनाते हैं हेल्दी अगेन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ वेजिटेबल्स थर्ड इज ऑफ पल्सेस एंड फोर्थ इज योर ड्राई फ्रूट्स now let's start the chapter food when you are hungry and tired you cannot do much work you would like to eat something anything that people or animals eat or drink is called food जब भी आपको भूख लगती है या आप थके हुए होते हो तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हो क्यों नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमें एनर्जी किससे मिलती है फूड से जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी जब भी हम भूखे होते हैं हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो सबको भूख लगती है एंड सबको क्या चाहिए होता है फूड देर आर ऑल काइंड ऑफ टेस्टी फूड लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिय वी नीड तो हर तरह के टेस्टी फूड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं हमारे ग्रेन्स होते हैं पल्स होती हैं और ड्राई uh, फ्रूट्स होते हैं तो सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रियट्स होते हैं वाई टू वी नीड फूड हमें फूड क्यों चाहिए होता है वी नीड फूड टू कीप आवर बॉडीज हेल्दी एंड स्ट्रांग हमें फूड चाहिए होता है अपनी बॉडी को हेल्दी स्ट्रांग रखने के लिए फूड हेल्प्स अस टू ग्रो फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम उसकी हेल्प से हम खान कुछ वर्क कर पाते हैं खेल पाते हैं फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज और फूड हमारी बॉडी को डिजीजेस से लड़ने की ताकत देता है जर फूड टेस्ट डिफरेंट वेन यू आर ऑन अ प्लेन जब आप प्लेन में होते हो तो आपका जो फूड होता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है सोर्सेज ऑफ फूड दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स तो हमारे दो सोर्सेज होते हैं फूड के एक होता है जो फूड हमें प्लांट्स से मिलते हैं और एक फूड जो हमें एनिमल से मिलते य उट so, कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो होते हैं जो हम बिना पकाए उन्हें बिना कुक किए हम खा सकते हैं तो so, अब ये आपको बताना है उनमें से कौन से ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं यू कैन राइट आउन द नेम्स फूड फ्रॉम प्लांट्स अब हमें प्लाट्स से कौन से फूड मिलते हैं? वी गेट वेजिटेबल्स फ्रूट्स सीरियल्स एंड पार्सिस फ्राम प्लांट्स प्लांट्स ऑल्सो गिवस कॉफी ऑयल स्पाइसिस नट्स एक्सेट्रा हमें प्लांट से वेजिटेबल्स मिलते हैं फ्रूट्स मिलते हैं दालें मिलती हैं ब्रिन्स सब चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलते हैं प्लांट्स हमें कॉफी भी देते हैं टी भी देते हैं ऑयल भी देते हैं मसाले नट्स सब चीजें हमें प्लांट्स से मिल वेजिटेबल्स वी गेट मेनी वेजिटेबल्स फ्राम प्लांट्स सम कॉमन वेजिटेबल्स आर हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स प्लांट से मिलती हैं कौन कौन सी कैरेट जिंजर पिनच कॉलीफ्लावर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं नाउ फ्रूट्स वी गेट मेनी फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स सम कॉमन फ्रूट्स आर अब हमें फ्रूट्स भी बहुत सारे मिलते हैं प्लांट से जैसे कि ऑरेंज पपाया बनाना एप्पल ये सारे फ्रूट्स जो है इनके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं सीरियल्स सीरियल्स आर ग्रेन्सन सम कॉमन सीरियल्स आर सीरियल्स वो ग्रेन होते हैं जो खाए जाते हैं कुछ कॉमन सीरियल्स कैसे होते हैं जैसे कि वीट मेज राइस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं पल्सेस दालें पल्सेज आर सीड्स दैट कैन बी ईट सम कॉमन पल्सिस आर कौन कौन सी कॉमन पल्सिस हैं जो आप खाते हो मूंग बीन्स रेड लेंटल ब्लैक लेंटल ये दालें सब हमारे घर में बनती हैं और हम इन्हें खाते हैं ड्राई फ्रूट्स सम प्लांट्स गिव ड्राई फ्रूट्स सम कॉमन ड्राई फ्रूट्स आर कॉमन ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं जो हम अपने जनरली हम लोग खाते रहते हैं ग्राउंडनट सर्दियों में बहुत खाई जाती है वॉलट अखरोट एंड कैशियोनट काजू स्पाइसेस मसाले प्लांट्स ऑल्सो गिव स्पाइसेस कॉमन स्पाइसेस आर प्लांट्स हमें मसाले भी देते हैं स्पाइसेस भी हमें सारे ज्यादातर प्लांट से ही मिलते हैं जैसे काडम इलायची ब्लैक पेपर काली मिर्च क्लोव जिसे हम लौंग कहते हैं बेवरेजेस बेवरेजेस कौन कौन सी मिलती है हमें प्लांट से कॉफी टी एंड शुगर दे आर यूज एज बेवरेजेस सम कॉमन बेवरेजेस आर टी लीव्स कॉफ़ी बीन्स एंड शुगर तो हमें ये तीनों चीज़ें जो है प्लांट से मिलती हैं तभी हम इनको एज अ बेवरेज यूज करते हैं ऑयल ऑइल भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव्स ऑयल सम ऑफ दे मार अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स बहुत यूजफुल होती हैं उससे हमें ऑइल मिलता है लाइक कोकोनट ऑइल कास्टर्ड ऑइल एंड सनफ्लावर ऑयल फूड from एनिमल्स अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स से हमें कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं We get milk, honey, meat and eggs from animals. हमें animals से milk मिलता है egg मिलते हैं meat मिलता है honey मिलता है ये सब चीजें हमें animals से मिलती We get milk from cows, buffaloes, goats and camels. चीज योग घी आर प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क तो हमें मिल्क किस से मिलता है काव से मिलता है, से मिलता है और गोट से मिलता है चीज योगी ये सब दूध से ही बनाया जाता है हनी शहद बीज प्रिपेयर हनी फ्रॉम नेक्ट तो शहद कौन बनाता है बीज प्रिपेयर करती है मीट हें फ गोट्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ मीट फॉर अस तो हमें मीट किससे मिलती है तो हमें मीट किससे मिलता है फिश से से, से। गोट ईट से. और एग्स किससे मिलते हैं? हैंस और से। व्हाट आर मील्स क्या होती है मील्स आर ओकेजंस व्हेन वी ईट ड्यूरिंग द डे दैट अस एनर्जी एंड मेक अस स्ट्रांग एंड हैप्पी मील्स जो अलग अलग ओकेजन्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं तो एक दिन में हमें कितने मील्स लेने चाहिए और कितने मील्स होते हैं वो होता है मील्स लाइक मेनली वी हैव डिफरेंट मील्स हमारे पास बहुत अलग अलग मील्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वो हम उससे स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहते हैं वी ईट मील्स आर थ्री टाइम्स ऑफ द डे हम तीन बार मील्स खाते हैं पूरे दिन में सबसे पहला मील होता है ब्रेकफास्ट जब भी हम सुबह उठते हैं आफ्टर टेकिंग बात जो हम पहला मील करते हैं फर्स्ट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट सबसे पहला मील होता है तो so, अपने दिन को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं तो so, आप ब्रेकफास्ट में कोई टोस्ट खाता है कोई पराठा खाता है कोई सीरियल्स खाता है इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन लंच लंच इज द मिड डे मील ऑफ द डे जो हम दोपहर तो को खाना खाते हैं दैट इज योर लंच वी ईट लंच टू रिफ्यूल एंड हैव एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एग्जाम्पल्स सैंडविचेस दाल चपाती वेजिटेबल राइस एक्सेट्रा तो हम लंच क्यों लेते हैं ताकि अगर हमारी बॉडी को जो है थोड़ी सी एनर्जी खत्म हो गई है उसको दोबारा से एनर्जेटिक करने के तो रेस्ट ताकि हम पूरे दिन इजीली अच्छे से काम कर सकें तो हम रोटी खाते हैं दाल चपाती खाते हैं वेजिटेबल राइस कुछ भी खा सकते हैं लंच में डिनर डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे और सोने से पहले हम क्या करते हैं डिनर वी ईट डिनर विद आर फैमिली एंड रिलैक्स आफ्टर अ बिजी डे अब पूरे दिन की थकान के बाद हम रात को खाना खा के रिलैक्स करते हैं एग्जाम्पल्स चिकन पास्ता सैलड ये सारी चीजें हम खाना पसंद करते हैं फैक्ट्रेजर जापानीज है यूनिक लंच टाइम

और सीरियल्स दाले यही सब खाते हैं वो होते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पीपल हु ईट मीट फिश एग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन जो लोग मीट खाते हैं फिश खाते हैं एग्स खाते हैं वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन बेसिक फूड ग्रुप्स अब बेसिक फूड ग्रुप्स क्या होते हैं देर आर थ्री मेन काइंड शुड बी इंक्लूडेड इन आर डाइट तीन तरह के फूड ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं सबसे पहला आता है बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस ग्रो दीज प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और उनसे हमें प्रोटीन मिलता है जैसे कि सोयाबीन चेस्टनट्स नट एंड मीट तो ये हमें बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं फिर आते हैं एनर्जी गिविंग फूड

प्रोटेक्टिव फूड्स और वाइटमिन मिनरल्स हेल्प इज बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके वाइटमिन में जिनमें मिलता है जिससे हम हेल्दी रहते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम इलनेस हम जितने ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे हमारी बॉडी में बीमारियां उतनी ही कम लगेंगी फैक्ट प्रेजर अ बैलेंस डाइट हैल्दी तो एक बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें हम इन तीनों फूड को बराबर मात्रा में लेते हैं ना ही कोई ज्यादा ना ही कोई कम ताकि हमारी बॉडी फिट हेल्दी एनर्जेटिक रहे तो टू रिमेम्बर बैलेंस डाइट अ डाइट दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन दशियल न्यूट्रियवायरमेंट तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हम बॉडी में सारे फूड आइटम सारे न्यूट्रिएंट्स को बराबर मात्रा में लेते प्रोटेक्टिव फूड फूड दैट हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिजीज जो फूड हमें डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग फूड फूड दैट हेल्प टू ग्रो जिससे हमारी ग्रोथ होती है वो होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग लेटेस्ट रिकॉल वी नीड फूड टू कीप आवर बॉडीज हेल्दी एंड स्ट्रांग तो हमें फूड क्यों चाहिए क्योंकि अपनी बॉडी को हेल्दी स्ट्रांग करने के प्रोटेक्टिव फूड्स और एंड मिनरल्स अस बिकम स्ट्रांग एंड हेल्दी जो जो होते 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 हैं, जो minerals होते हैं, body strong, हैं, हैं। हमारी को बनाते डे लंच हम दोपहर को करते हैं मिड डे एंड डिनर इज द लास्ट मील और सबसे लास्ट मील होता है हमारा डिनर नाउ विल डू एक्सरसाइज टेक द करेक्ट ऑप्शन

बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं किस चीज में टू ग्रो डैश आर ओकेजन्स वेन वी ईट फूड क्या ओकेजन्स होता है जब हम खाना खाते हैं तो मील्स मील्स वो ओकेजन्स होते हैं मतलब वो टाइम होता है जो हम खाना खाते हैं फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले फूड हमें क्या देता है खेलने का और काम करने के लिए एनर्जी

तो तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड चैप्टर। चैप्टर इस से हमने क्या क्या सीखा कि कितने तरीके के फूड्स होते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं और फूड के सोर्सेस क्या होते हैं और हमें कौन सा मील कब लेना चाहिए तो यू ऑल कैन गो थ्रू दैप्टर एंड वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू